आई एम इगरली वेटिंग टू नो कि एक्चुअल में वो काम करते भी हैं या दे आर जस्ट ऑलरेडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई एम सो हैप्पी बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट 1K फैमिली लाइक वी आर गोइंग टू बी एंड ऑल्सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग दिस ये बैठ के वाला व्लॉग। आई यूजली होल्ड माई कैमरा और मैं इधर उधर शूट वूट करने ऊपर छत वत पे जाते रहती हूँ, बट दिस टाइम आई एम सिटिंग एंड आज का जो वीडियो है वो ब्यूटी हैक और डी आई वाई वाले हैक जो जनरली सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहते हैं, विंग आईलाइनर, लिपस्टिक, ग्राफिक आईलाइनर एंड मेनी मोर। बट बिफोर वॉचिंग इट यू नो द ड्रिल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड जाओ जल्दी जल्दी अभी कर दो। आई एम स्टिल वेटिंग। क्या हुआ, गए नहीं अभी तक? आई एम स्टिल वेटिंग। सो विदाउट ब्लैबिंग अ लॉट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So the number one hack is this thing. ये वीडियो में बहुत दिखाते हैं कि जब आपको कोई भी मस्कारा बिल्कुल सूख जाता है आपको बस उसको ऐसे गर्म पानी में डालना है और उसके बाद ये काम करने लग जाता है। So let's try this out. ये मेरा बहुत पहले से मस्कारा रखा हुआ था, I think इसको 1.5 year हो गए। Let's see. I can see some tint. I'm not so sure कि ये काम करेगा कि नहीं. Let me zoom. And that's the reason I hadn't applied mascara. And as I can see, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है. Look at this. कुछ भी नहीं है इसमें तो. It's a fail. Look. Totally dried. So the next hack is using a fork for contouring and I don't know इसको ऐसे करते हैं कि ऐसे, but I had seen बहुत लोग ये use करते हैं trick to contour their nose. So let's see. दिस वन इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट बिकॉज दे से कि जब आप मोम को किस में बोलते हैं उसको, नारियल के तेल में, कोकोनट ऑयल में उसको मिक्स करके माइक्रोवेव कर दो या हीट कर दो और जब वो उसमें मेल्ट हो जाता है तो वो बहुत अच्छा लिपस्टिक और ब्लशर का काम करता है। सो लेट्स चेक दिस आउट। This is how it looks and I am excited. So let's check this out. I am excited to apply this because ये बहुत ही ज़्यादा tinted लग रहा है. It is totally unexpected. I don't have a brush, that's why I'm using my finger. What? Looks so amazing. It actually feels so light and also really moisturized, I think because of the tail, and also you can use it as a blush. So moving on further, let's see what is next.
So the next hack is one of my favorite, which is graphic eyeliner. I loved it like anything. Now I have a graphic eyeliner of blue, green, pink, yellow, purple, magenta, mint, lavender, lilac, every kind. So have a look at this. For the next hack, I'll be using this Vaseline Petroleum Jelly. I think सबके घर पे ही होता है ये. And this is a mascara hack in which I'm going to mix this with a टूटा हुआ eyeshadow. So let's see. And I broke my Revolution palette का black eyeshadow and I am using this for my mascara. So in this bowl, I'm taking this. I don't have anything. I'm going to use this. आई डोंट नो लिया तो मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो था. ये मिक्स होने के बाद नहीं पता ग्रे ग्रे क्यों बन गया है. इज नॉट अ फेल फॉर श्योर बिकॉज when you are running out of mascara, so this can be handy. I think I'm not saying ki bahut acha kya. I think agar main eyelash curler use karti to I think iska application bahut acha hota, but I think mere hi lashes bahut zyada hi lashes bahut kam hai, wo dikhte hi nahi hai kabhi. main kitna bhi try karu na, like in general वो अच्छे से दिखेंगे, बट ऑन कैमरा एंड फोन आई डोंट थिंक. सो आई थिंक दिस इज अ गुड अल्टरनेट. दिस कैन बी यूज. मूविंग ऑन फर्दर, द नेक्स्ट हैक इज यूजिंग अ काजल फॉर स्मोकी आई, कोल्ड रिम्ड आईज. एंड आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन विद दिस छोटू सा काजल. आई एम श्योर आई एम गोइंग टू रुइन इट. ओ माय गॉड, मैंने लगा लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज माय रिंग वाला छोटी सा फिंगर एंड आई एम गोना स्मज इट. बट नॉट बैड, दैट्स नॉट दैट बैड, बट नॉट गुड एज वेल. बिकॉज आई थिंक ये मैं अपने ब्लैक आई शेडो और ब्रश से बहुत नीटली कर सकती थी, बट या इट्स नॉट दैट बैड, बट इट्स क्वाइट गुड. थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप. इट्स अ थम्स अप फॉर लेजी गर्ल्स लाइक मी. इट्स अ रियली थम्स अप बिकॉज बैन वी आर हरी. लगाओ इसको, स्मच करो एंड लेट्स गेट स्टार्ट. Let's start the fun. So yeah, that's all for today. Hope you like the video, and if you do not forget to like, share and subscribe to my channels. Bye.